दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद है ऊर्जा का असीमित भंडार जो कभी खत्म नहीं हो सकता। आपको बता दें, इसी खजाने को लूटने के लिए सभी देश लगे हुए हैं। चीन सबसे पहले जाने के लिए तड़पड़ा रहा है और अमेरिका भी लगा हुआ है। भारत भी अपना मिशन लॉन्च करने वाला है। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, अगर ये ऊर्जा का भंडार हमारे धरती पर आ जाए तो दोस्तों ऊर्जा कभी खत्म ही नहीं होगी, बिजली की किल्लत कभी होगी ही नहीं। दोस्तों, चांद पर जो ऊर्जा का स्रोत मिला है, अगर इससे परमाणु हथियार बनाए जाएं, यानी परमाणु बम अगर बनाए जाएं, तो इसका काट किसी देश के पास नहीं होगा। हर जगह तबाही मच सकती है और जिस देश के पास ये हथियार होगा उसका हर देश पर राज होगा, उसे कोई देश आंख नहीं दिखा सकता। तो दोस्तों, चांद पर जो ऊर्जा का स्रोत अगर भारत के पास आ जाता है तो भारत के आगे कोई नहीं टिक पाएगा, चीन तो पूरी तरह से खत्म ही हो जाएगा। दोस्तों, चांद पर बेशकीमती खजाना पड़ा हुआ है। अभी अभी सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। एक नई खोज हुई है जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आप भी हैरान में पड़ जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखिएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी तक आपने अंतरिक्ष की रेस से लेकर हथियारों की रेस के बारे में सुना होगा, लेकिन इन सब के बीच एक रेस सबसे अहम है जिस पर आने वाली मानव सभ्यता का भविष्य निर्भर करेगा। अंतरिक्ष में एक अहम मात्रा में हीलियम 3 का खनन करने वाला पहला देश कौन होगा, जिससे ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बनाए जा सकें जो खतरनाक परमाणु अपशिष्ट और अन्य प्रदूषक पैदा न करते हों। दोस्तों, आपको बता दें, बाहरी अंतरिक्ष में ऊर्जा और कच्चे माल की असीमित मात्रा मौजूद है। चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3 से लेकर एस्ट्रॉइड पर मौजूद भारी धातुओं और वाष्पशील गैसों को पृथ्वी और अंतरिक्ष के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। और आपको बता दें, चीन अंतरिक्ष में मौजूद ऊर्जा के भंडार तक पहुंचने और स्पेस माइनिंग के क्षेत्र में एक संभावित क्रांति की ओर बढ़ रहा है। और आपको बता दें, चांद पर जो हीलियम 3 है काफी बेस कीमती है और काफी मात्रा में है। और हम सबको पता है कि हमारे भारत द्वारा भेजा गया चंद्रयान 2 और चंद्रयान 1 ने अहम भूमिका निभाई है। चंद्रयान 2 द्वारा भेजा गया जो ऑर्बिटर है अभी भी काम कर रहा है और चांद के जमीन में दफन बेस कीमती खजाना के बारे में इसरो को बता रहा है। अभी हाल ही में एक जानकारी सामने निकल कर आई थी जिसमें ये बताया गया है कि चंद्रयान 1 ने चांद के जमीन पर पानी की खोज की है। इतिहास रचने वाली बात की है हमारे भारत ने, इसलिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों के कारनामे का लोहा हर जगह माना जाता है। अंतरिक्ष की दुनिया में हमारा भारत काफी आगे चला गया है। और आपको बता दें, चांद पर जो हीलियम 3 मौजूद है, जिस देश के हक में आएगा, जो देश इस पर कब्जा करेगा वो बादशाह बन जाएगा, यानी सुपर पावर वो बन जाएगा। इसीलिए सभी देश लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है चांद पर जाने के लिए। और आपको बता दें, अगर इसे पृथ्वी पर लाया गया तो बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा बदलाव होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हीलियम 3 से पूरी तरह से भरे हुए दो स्पेस शटल कार्गो बे, जिन पर करीब 40 टन गैस भरी हो, ऊर्जा खपत की वर्तमान दर पर अमेरिका को एक साल तक बिजली सप्लाई कर सकते हैं। और आपको बता दें, वहीं कई वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चंद्रमा पर जो हीलियम 3 मौजूद है, ये इतनी मात्रा में है कि 10,000 सालों तक ऊर्जा की कमी ही नहीं पड़ेगी पृथ्वी पर, इतनी मात्रा में वहां पर हीलियम 3 मौजूद है। और आपको बता दें, चीन में कई प्रमुख संस्थान अब रिसर्च के लिए चेंगी 5 मिशन के चंद्रमा से इकट्ठा की गई चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं। दिसंबर में ये मिशन चंद्रमा के करीब 1.73 किलोग्राम सामग्री को पृथ्वी पर लाया था। और आपको बता दें, चीन ने जो चंद्रमा की मिट्टी लाया है उस पर रिसर्च कर रहा है, कई टीम उस पर लगी हुई है। और आपको बता दें, हीलियम 3 पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में मौजूद है, जबकि चंद्रमा पर ये 100 गुना अधिक प्रचुर मात्रा में है। और आपको बता दें, वैज्ञानिकों के मुताबिक परमाणु रिएक्टरों में हीलियम 3 के इस्तेमाल से रेडियो एक्टिव कचरा नहीं पैदा होगा, इससे आने वाली कई सदियों तक धरती की ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। हीलियम 3 पहले से ही धरती पर पैदा होती है, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है और महंगी है। अनुमान है कि चंद्रमा पर इसके विशाल भंडार मौजूद हैं। बताया जाता है कि ये भंडार 1 मिलियन मीट्रिक टन तक हो सकता है।
इस भंडार का केवल एक चौथाई ही धरती पर लाया जा सकता है। एक विशेषज्ञ का अनुमान है कि एक टन हीलियम 3 की कीमत करीब $5 अरब हो सकती है। चंद्रमा से 250,000 टन हीलियम 3 लाया जा सकता है, जिसकी कीमत कई ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। चीन ने भी इसी साल हीलियम 3 की खोज के लिए अपना चेंगी 4 यान भेजा था। इसी को देखते हुए ही अमेरिका, रूस, जापान और यूरोपीय देश भी अब चंद्रमा पर कदम रखने जा रहे हैं। यही नहीं, अमेज़न कंपनी के मालिक जेफ बेजोस चंद्रमा पर कॉलोनी बसाने की चाहत रखते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर है और सबसे हैरान करने वाली खबर है, अगर हीलियम 3 हमारे भारत के हाथ अगर लग जाता है तो दोस्तों भारत सुपर पावर बन जाएगा, उसका कोई टक्कर इस दुनिया में नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।